नमस्कार, मैं पवन वाजपेयी। अपने YouTube चैनल मेहित पवन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। SSC MTS 2020 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। फाइनली उनकी जो वैकेंसी है उनकी डिटेल आ चुकी है और वैकेंसी जितना हम लोग सोच रहे थे उससे भी काफ़ी कम है। तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए अच्छी अपडेट नहीं है और इससे आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट होने वाली है। जो कट ऑफ का हम लोगों ने इससे पहले एनालिसिस किया था वो सारा एनालिसिस अब गलत हो जाएगा, क्योंकि वैकेंसी जितना हम लोग सोच रहे थे उससे भी काफ़ी कम है। तो कट ऑफ पे कितना क्या असर पड़ेगा, कितना क्या टफ कंपटीशन आपके लिए होने वाला है, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। और उसके अलावा मैं आपको स्टेट वाइज वैकेंसी भी दिखाऊंगा कि स्टेट वाइज वैकेंसी आपकी कितनी है और इस बार आपका क्या वैकेंसी जो है अभी आगे बढ़ने के चांसेस हैं या नहीं है। तो इन सारी बातों पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप SSC CGL CHSL या MTS जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पे अपने जो टॉप एजुकेटर हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं। इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर हैं आपको पता है कि वो अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, जैसे अभिनय सर हैं या जितने भी फेमस टीचर हैं वो सारे के सारे अनअकैडमी पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट बैचेज हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि SSC CGL अगर आपका टारगेट है तो ये बैच आपका 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। उसके अलावा सफलता बैच जिसमें आपका CGL और CHSL के लिए रहेगा, इसमें आपके ये एजुकेटर पढ़ाएंगे। तो अपने जो बेस्ट एजुकेटर हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं। जैसे ये लक्ष्य बैच है, CHSL एग्ज़ाम के लिए स्पेशली फोकस है जो कि 27 तारीख से स्टार्ट है, तो इन सारे बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप लाइव क्लास में अपने डाउट पूछ सकते हैं, तो आपके डाउट भी लाइव सेशन के दौरान ही आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे प्लान्स हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे, सबसे जो बेस्ट प्लान है आपके लिए वो 24 मंथ वाला है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पर मंथ के हिसाब से 325 रुपये देने हैं, ठीक है। और ये प्लान है, यहाँ पे आप अगर मेरा कोड यूज़ करेंगे PKB10 तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इसके अलावा अभी यहाँ पे रिपब्लिक डे स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप एक साल से ऊपर का अगर प्लान लेते हैं तो उसमें आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मेरा जो कोड है PKB10 उसको आप अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है अनअकैडमी, जिस पे आप अपने बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। तो आज ही आप इनरोल कर सकते हैं, इसमें आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, तो आज ही ज्वाइन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है आपका कंप्लीट वैकेंसी का डिटेल, जिसमें स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी दी हुई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ओवरऑल आपकी वैकेंसीज कितनी है, उसके बाद देखेंगे कि स्टेट के हिसाब से वैकेंसी कितनी है और स्टेट का इस पर इस बार कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा। तो 18 से 25 एज ग्रुप में आपकी UR के लिए 1520 वैकेंसी है, OBC के लिए 952 वैकेंसी है, SC के लिए 305 वैकेंसी है, ST के लिए 240 वैकेंसी है, EWS के लिए 249, टोटल जो वैकेंसी हैं वो 3266 हैं आपकी 18 से 25 एज ग्रुप में, ठीक है। 18 से 27 में UR के लिए 328 हैं, OBC के लिए 208 हैं, SC के लिए 54 है, ST के लिए 58 है, EWS के लिए 58 है, और टोटल जो वैकेंसी हैं 18 से 27 इस ग्रुप में वो 706 हैं और टोटल जो वैकेंसी हैं वो 3972, यानी कि 4000 में भी वैकेंसी कम है, 4000 भी वैकेंसी नहीं है। और पिछली साल जो आपकी वैकेंसी थी वो कितनी थी, 9069, यानी कि 9069 जो वैकेंसी थी उसका आधा भी वैकेंसी इस बार नहीं आया। तो ये काफ़ी बैड न्यूज़ है आपके लिए। अभी उम्मीद कर सकते हैं, चूंकि ये फाइनल नहीं है, वैकेंसी टेंटेटिव होता है, अभी हो सकता है वैकेंसी आपकी आगे इसमें इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन अब अभी इतनी कम है तो कितनी इंक्रीज़ होंगी। अगर 1000-2000 भी वैकेंसी इंक्रीज़ हो जाएंगी तब भी आपकी वैकेंसी प्रीवियस ईयर से कम ही यहाँ पे रहेंगे। अब डिपेंड करेगा कि कितनी वैकेंसी यहाँ पे इंक्रीज़ होती हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी का जो सिनेरियो है वो ये है कि वैकेंसी आपकी बहुत कम है और इसका कट ऑफ पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। इस बार पेपर आपका अच्छा खासा उसका लेवल आया है, तो हम लोग सोच रहे थे कि अगर वैकेंसी आपकी उतनी रहती हैं तो आपका कट ऑफ वाकई में कम जाता, लेकिन अब वैकेंसी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वैकेंसी उसी लेवल में आपकी कम हो गई है जिस हिसाब से आपका पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा बनाया गया। तो इससे कट ऑफ पे वाकई में बहुत ही ज़्यादा इसमें इंक्रीजमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें स्टेट वाइज वैकेंसी की,
तो स्टेट वाइज आप वैकेंसी देख पा रहे होंगे, जैसे कि पंजाब में आप लोग देख पा रहे होंगे टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी है, 11 है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में अगर वैकेंसी की बात करें तो केवल और केवल 2 वैकेंसी। अब वैकेंसी पे भी डिपेंड करेगा, अब देखो जम्मू कश्मीर में 1 UR की वैकेंसी है, 1 OBC की वैकेंसी, बाकी और किसी कैटेगरी में वैकेंसी नहीं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कट ऑफ आपका बूम करेगा, बहुत ज़्यादा बूम करेगा। चंडीगढ़ में अगर बात करें तो 6 वैकेंसी हैं सिर्फ आपकी, यहाँ पर ST और EWS की वैकेंसी नहीं है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 15 वैकेंसी हैं, हरियाणा की बात करें तो 27 वैकेंसी हैं टोटल यहाँ पे, मतलब इन स्टेट की अगर बात कर लें तो टोटल इनमें 61 वैकेंसी बनती है। उसके अलावा NR रीजन की अगर बात करें तो दिल्ली में 780 वैकेंसी हैं जिसमें UR की 307, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है तो उसमें कट ऑफ रहता है, जहाँ पे वैकेंसी कम है उससे कहीं ना कहीं कम जाएगी आपकी कट ऑफ। राजस्थान में वैकेंसी 160 है, उत्तराखंड में अगर वैकेंसी की बात करें तो 19 वैकेंसी हैं, ठीक है। तो NR रीजन में टोटल 959 वैकेंसी हैं। अगर हम CR रीजन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 229 वैकेंसी हैं और बिहार में 3 वैकेंसी हैं, टोटल इस रीजन में 232 वैकेंसी है। ER रीजन की बात करें तो वेस्ट बंगाल में 98 वैकेंसी है, उड़ीसा में 133, झारखंड में 60, सिक्किम में है ही नहीं वैकेंसी, अंडमान निकोबार में 1 भी वैकेंसी नहीं, तो टोटल ER रीजन में कितनी वैकेंसी है, 291। NER रीजन की अगर बात करें तो असम में आपकी 53 वैकेंसी है, अरुणाचल प्रदेश में 1 भी वैकेंसी नहीं है, मणिपुर में आपकी 1 भी वैकेंसी नहीं है। उसके अलावा नागालैंड की बात करें तो 28 वैकेंसी हैं, मेघालय की बात करें तो 12 वैकेंसी है, मिजोरम की बात करें तो 1 वैकेंसी है, त्रिपुरा की बात करें तो 1 भी वैकेंसी नहीं है, टोटल इस रीजन में कितनी वैकेंसी है, 17 वैकेंसी। MPR रीजन की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 56 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ में 11 वैकेंसी, टोटल यहाँ पे 67 वैकेंसी। WR रीजन की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में आपकी 484 वैकेंसी है, गुजरात में आपकी 331 वैकेंसी है, गोवा में आपकी 62 वैकेंसी है, टोटल इस रीजन में आपकी 877 वैकेंसी है। SR रीजन की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में आपकी, देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आपकी कितनी वैकेंसी, 17 वैकेंसी है, तेलंगाना में आपकी 29 वैकेंसी है और तमिलनाडु और पुदुचेरी में आपकी 30 वैकेंसी, टोटल कितनी है, 77। KKR रीजन की अगर बात करें तो कर्नाटका में आपकी 572 वैकेंसी है, केरला में आपकी 36 वैकेंसी है और लक्षद्वीप में आपकी 1 भी वैकेंसी नहीं, तो यहाँ पे इस रीजन में आपकी 608 वैकेंसी है। तो ये आपका, उसके अलावा आप देख पा रहे होंगे वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन 2020 रीजन वाइज आपकी ये वैकेंसी की डिटेल दी हुई है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो आपकी इस बार जो है वो आपकी किस रीज़न में है आप लोग देख पा रहे होंगे, एक NR रीज़न में 959 वैकेंसी है, उसके अलावा एक अगला जो रीज़न है वो WR रीज़न है जिसमें 877 वैकेंसी है और एक है आपका KKR रीज़न जहाँ पे 608 वैकेंसी, ठीक है। तो दिल्ली जिनका प्रेफरेंस रहा होगा तो दिल्ली में काफ़ी अच्छी वैकेंसी, सबसे अच्छी वैकेंसी जो है वो दिल्ली में इस बार है। तो जिन्होंने मतलब स्टेट प्रेफरेंस दिया है तो उनके हिसाब से आप अपना स्टेट के हिसाब से देख लो कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी, उस पर भी आपका कट ऑफ जो है वो अफेक्ट करेगा। और बाकी जिन्होंने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दिया है उनके भी कट ऑफ में काफ़ी इस बार उछाल आपको देखने को मिलेगा। तो कट ऑफ जाहिर सी बात है इसमें कोई दोहरा नहीं है, कट ऑफ आपकी बूम करेगी, पेपर का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा आया, लेकिन जब वैकेंसी ही इतनी कम है तो जाहिर सी बात है उसका डायरेक्टली जो प्रपोर्शन है वो आपका कट ऑफ से ही बनेगा, कट ऑफ में इंक्रीजमेंट होगा। तो कट ऑफ जो हमने प्रेडिक्ट की थी उससे काफ़ी चेंजेस कट ऑफ में आने वाले हैं। कट ऑफ कितनी क्या जाएगी, हाई कट ऑफ जाएगी, जितना मैंने बताया था उससे 10 से 12 नंबर आप ऊपर मान के चलो। अब इसके बारे में अभी हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि इस बार आपका सेफ स्कोर कितना रहेगा टीयर 1 के लिए, ताकि आप टीयर 2 क्वालिफाई कर जाओ और फाइनल सिलेक्शन ले सको, ठीक है। तो उस पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये वाकई में बहुत बैड न्यूज़ है SSC MTS 2020 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए। फिलहाल आपका 2021 की वैकेंसी आ गई तो उसके लिए भी आप प्रिपरेशन जो है वो करना स्टार्ट कर दीजिए, उसका भी कैलेंडर आपका जारी हो चुका है, अभी उसकी वैकेंसी आएगी आपकी, लेकिन प्रिपरेशन अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। और इस चैनल पर मैं आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ, तो पूरा दम लगा के आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। मैथ्स की क्लासेस आपकी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली हैं, तो बस करना क्या है, सारे एग्ज़ाम को आपको उसके लिए प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, आप सभी की प्रिपरेशन करो। तो उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा तो जो भी बातें हमने आपके बीच में रखी उनसे आप सेटिस्फाई होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।